बस कुछ मिनट इस वीडियो पे रुक जाइए और आपको हो सकता है बहुत ज्यादा प्रॉफिट नेक्स्ट बुल सीजन में। आज एक ऐसे क्वाइन के बारे में बात करेंगे जो कि क्लाउड स्टोरेज के ऊपर काम कर रहा है, यानी डिसेंट्रलाइज स्टोरेज के ऊपर काम कर रहा है। आपको पता है ब्लॉकचेन का जमाना और जमाना जो है कितना तेजी से डिजिटल की तरफ बढ़ रहा है, डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है। और यहाँ पे डिजिटल चीजों को अगर स्टोर करना है, यानी फॉर एग्जांपल मेटावर्स हो गया, Web3 हो गया, NFTs हो गया, तो आखिर इन सब चीजों का रिकॉर्ड भी तो रखना है, इन सारी चीजों को स्टोर भी तो कहीं ना कहीं पे करना है, ताकि जो है सारा डेटा सिक्योर रहे। और डिसेंट्रलाइज से कोई अच्छा तरीका नहीं है, क्योंकि ब्लॉकचेन वाले लोग जो है वो डिसेंट्रलाइज तरीके को ही चुनेंगे, ताकि किसी एक बंदे का उसके ऊपर कंट्रोल ना हो। तो आज हम बात करने वाले हैं सिया कॉइन, एससी कॉइन। इसको बहुत सारे वो लोग जानते होंगे जो 2016-17 से क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर हैं, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे अभी के जो लोग 21-22 में क्रिप्टो करेंसी के अंदर आए या 20 के अंदर आए, तो वो इतना ज्यादा सिया कॉइन के बारे में, सिया कॉइन के बारे में नहीं जानते। लेकिन जिन लोगों ने सिया कॉइन में इन्वेस्टमेंट की थी 2016-2017 में, उन लोगों ने अच्छा खासा बेनिफिट बनाया था। और यहाँ पे सिया कॉइन नेक्स्ट बुल सीजन में एक बहुत अच्छा बेनिफिट आपको दे सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं सिया कॉइन की वेबसाइट। जैसे कि मैंने बताया कि ये डिसेंट्रलाइज्ड स्टोरेज, क्लाउड स्टोरेज के ऊपर वर्क करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं द न्यू डिसेंट्रलाइज्ड इंटरनेट इज हियर। तो यहाँ पे ये जो है स्काईनेट जो इनकी कंपनी है, उनकी वेबसाइट है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात कर लें, यहाँ पे ये जो है सिया की वेबसाइट है, सिया डॉट टेक। इस पे आके आप वेबसाइट के ऊपर इनके बारे में पूरा रीड आउट कर सकते हैं। और यहाँ पे अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे आप देखोगे वाई सिया, सिया कॉइन आपको क्यों चूज करना चाहिए। कंप्लीटली प्राइवेट है, हाईली रिडॉन्डेंट है, ओपन सोर्स है। यहाँ पे कुछ भी आप इसमें अगर नई चीज इंक्लूड करना चाहते हो या पुरानी कोई चीज हटाना चाहते हो, तो ओपन सोर्स है वो पूरी, जहां पे आपको आजादी मिलेगी। उसके बाद फार मोर अफोर्डेबल, बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है। अगर आपको 1 TB डेटा स्टोर करना है यहाँ पे किसी सेंट्रलाइज्ड जो कंपनीज हैं अगर वो प्रोवाइड करती हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अमेजोन का दिया गया है, अमेजोन जो है $23 तक यहाँ पे चार्ज करता है 1 TB को स्टोर करने के लिए। और वहां ही $1 से $2 पर मंथ में यहाँ पे सिया कॉइन जो है क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइड कर रहा है। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, 10 गुना सस्ता यहाँ पे जो है क्लाउड स्टोरेज यहाँ पे पड़ रहा है सिया कॉइन के ऊपर। आप देखते हैं इसका प्राइस क्या है, 139 रैंक है कॉइन मार्केट कैप के ऊपर। और अगर हम प्राइस की बात करें, 0.00321 अभी करंट प्राइस चल रहा है। और यहां पे अगर हम बात करें 1 ईयर की, तो यहाँ पे तकरीबन तकरीबन 3 सेंट तक जो है इसका प्राइस गया है, 0.003 से जो 3 सेंट तक इसका प्राइस जो है यहाँ पे गया है। तकरीबन तकरीबन 10x का प्रॉफिट जो है इसने लोगों को दिया है। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं इसका ऑल टाइम हाई जो क्या है। और सबसे पहले एक और बात मैं बताना चाहूंगा, शेयर कॉइन कोई नया कॉइन नहीं है। यहाँ पे आप देखोगे 2015 जून से ये जो है यहाँ पे ये लॉन्च हुआ है, और तब से ये जो है वर्क कर रहे हैं डिसेंट्रलाइज्ड वे के अंदर, डिसेंट्रलाइज जो है स्टोरेज के ऊपर तब से वर्क कर रहे हैं, और इनकी टीम जो है अच्छी तरह से इसको बैक कर रही है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं इसका अभी करंट प्राइस क्या है, 0.003। आप देख लेते हैं ऑल टाइम हाई क्या है। तो यहाँ पे ऑल टाइम हाई की अगर हम बात करोगे, तो ऑल टाइम हाई जो है 2018 6 जनवरी को बनाया था, और $0.11 तब इस कॉइन ने जो है बहुत ज्यादा हाई पकड़ी थी, और बहुत ज्यादा लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है। शायद उस टाइम का कुछ लोगों ने होल्ड किया हो इस उम्मीद में कि अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगा। तो यहाँ पे अगर अपने ऑल टाइम हाई के आसपास भी चला जाता है यहाँ पे सिया कॉइन, अगर हम बात करें अभी करंट प्राइस की, तो 0.003 है। तो यहाँ पे अगर ये 15 सेंट तक चला जाता है, जो मुझे पर्सनली लगता है कि अगर अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करेगा, तो ये 20 सेंट से 30 सेंट के बीच भी जा सकता है। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ इसका 15 सेंट अगर हम प्राइस देखें, सिर्फ यहाँ पे 15 सेंट, तो यहां से हमें 50x का रिटर्न मिल सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा एक दो दिन में ही 50x का रिटर्न मिल जाएगा, लेकिन नेक्स्ट बुल सीजन में फॉर श्योर आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा सिया कॉइन से। तो अगर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया, एक इस कॉइन को आप कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा लोग इसके बारे में नहीं जानते। तो ये जो है 50x से ज्यादा भी दे सकता है, कम भी दे सकता है,
मैं वही डिस्क्लेमर आप लोगों को बताना चाहूंगा कि क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज्यादा रिस्की होता है। यहाँ पे जितना प्रॉफिट होता है उस उतने ही ज्यादा चांसेस होते हैं लॉस के, जितना ज्यादा चांसेस होते हैं प्रॉफिट के। तो यहाँ पे आप अपनी अर्जेंट मनी कभी भी इन्वेस्टमेंट मत करिएगा, जैसे किसी से लोन लेके, या जो आपने अर्जेंट पैसा रखा हुआ था, या आपकी कॉलेज की फी होगी, या किसी से उधार लेके कभी भी क्रिप्टो में लगा के जल्दी जल्दी अमीर बनने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके सारे पैसे डूब भी सकते हैं और यहाँ पे प्रोजेक्ट्स मार्केट से वाइप आउट भी हो सकते हैं। तो किसी भी प्रोजेक्ट, किसी भी कॉइन में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो सोच समझ के करिए और वही पैसा यहाँ पे लगाइए जो 3-4 साल तक आप होल्ड कर पाए। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। सिया कॉइन के कब से आप होल्ड कर रहे हो और आपने कितना सिया कॉइन में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, ये भी हमारे जो यूजर्स हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा। आप इंडिया के कौन से पार्ट से वीडियो देख रहे हो ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या आप इंडिया से वीडियो देख रहे हो या फिर किसी और कंट्री से। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम है सर, आप देख रहे थे क्रिप्टो टीवी इंडिया यूट्यूब चैनल। हैव अ सेफ इन्वेस्टमेंट। मिलते हैं किसी और वीडियो में।